आइए सो दिस इज अवर सेकेंड क्लास ठीक है फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कि सी बी वन कोर्स में क्या क्या, क्या हमारा कंटेंट रहेगा देन वी स्टार्टेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंसाइट दिया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का राइट शेयर होल्डर होता है वो लोग पैसा लगाता है चलाने वाला कोई और होता है तो शेयर होल्डर उनको अपॉइंट करके सारा जिम्मेदारी दे देता है ऑपरेशन से लेके अकाउंटिंग से लेकर कंप्लायंस का सारा जिम्मेदारी उनका होता है राइट right? जब भी वो लोग अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके करेंगे जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर उनका अपना नहीं है तो वो लोग आई को गोद ले सकता है कुछ कुछ कंपनीज मोर देन वन कंट्रीज में ऑपरेट करती है जैसे इंडियन कंपनी फॉरेन फॉरिन में भी है तो उनको इंडिया वाला तो फॉलो करना ही है प्लस दे आर डूइंग ऑपरेशंस इन फॉरेन राइट तो उस चक्कर में उनको आई आर एस भी फॉलो करना है राइट right? दोनों फॉलो करना है तो इसीलिए इंडिया वालों ने आई आर एस बॉडी के साथ में कन्वर्ट करके नया आई एस बना लिया इंडिया कंट्री ने ऐसा किया है या तो एडोप्शन के लिए तो झमेला ही खत्म एडोप्शन नहीं किया तो कब को कन्वर्ट करना पड़ेगा दो ही ऑप्शन है आपके पास राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी नहीं बोलता कि हमको फॉलो करो रेस्पेक्टिव कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो बोलता है कि आपको अकाउंट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है जैसे कंपनीज एक्ट, राइट? इट्स अ लॉ लेड गवर्नमेंट, रिलेटेड टू क्लियरली लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड <coughs> <Got my point? coughs> तो कभी भी ये नहीं बोलता या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर बॉडी होती वो कभी नहीं बोलती मी

ऑडिटर का हम वेरीफाई करना होता है कि अकाउंटिंग ठीक तरीके से किया गया है कि नहीं अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया गया है कि नहीं ऑडिटर इज नॉट इन कंपाइलेशन ऑडिटर इज ओनली इन जॉब्स राइट आप जिस कंपनी का कंपाइलेशन कर रहे हैं आप उस कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं लास्ट <coughs> क्लास हमने एक टॉपिक नहीं कवर किया था हु कैन बी द ऑडिटर जैसे इंडिया में ऑडिटर कौन बन सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हम चार्टेड अकाउंटेंसी जब क्लियर किए थे, हमारे पास दो ऑप्शन था या तो जॉब कर लेते क्योंकि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है कंपनी हायर करके हमारा ब्रेन यूज करती है या हम एक प्रैक्टिसिंग फॉर्म भी बन सकते थे राइट कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं, तो इन प्रैक्टिस कैन डू ऑडिट अगर हमारा उस कंपनी के साथ में ऑलरेडी एक बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता या मेरा कोई रिलेटिव वहां पे डायरेक्टर का पोजीशन में है तो हम ऑडिटर नहीं बन सकते सम क्वालिफिकेशन एंडक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर राइट right? समझ में आ रहा पर फर्दर हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है सब कुछ सही होता है तो कौन सा टाइप का ओपिनियन देता है वो जब सब कुछ सही रहता है कौन सा अनक्वालिफाइड सब कुछ सही है सिवाय कुछ कुछ के तो क्वालिफाइड सब कुछ गलत है मैं बता ही नहीं पा रहा मेरा पंद्रह साल का तजुर्बा होने के बावजूद भी मैं नहीं बता पा रहा हूं डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन दैट इज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट मैंने फिर आपको ऑडिटिंग का पूरा प्रोसेस बताया था ऑडिट एंगेजमेंट रिश्ता बनता है उसमें मेरा तुम्हारा स्कोप वगैरह लिखा रहेगा देन प्लानिंग होगी देन ऑडिट प्रोसीड्योर रिस्क असेसमेंट कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव राइट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा सॉरी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो कम सैंपल लेने से भी काम हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ज्यादा ज्यादा ऑडिटिंग करनी पड़ेगी ऑडिट करने के बाद सबूत इकट्ठा करते हैं हम कुछ कुछ सबूत हम खुद डेवलप करते हैं कुछ कुछ हम ऑप्टेन करते हैं आउटसाइड पार्टी से कुछ कुछ ऑप्टेन फ्रॉम इनसाइड बट वो डॉक्यूमेंट आउटसाइड वाले का रहता है जैसे बैंक स्टेटमेंट और कुछ कुछ ऑप्टेन फ्रॉम इनसाइड जो भी एविडेंस आप इकट्ठा करेंगे दैट शुड बी सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट रिलायबल एंड रेलिवेंट अकॉर्डिंगली आप अपना ओपिनियन देंगे ऑडिटर रिपोर्ट में टाइटल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्कोप पैराग्राफ बेसिस ऑफ ओपिनियन ओपिनियन पैराग्राफ डेट सिग्नेचर राइट ये सब डिस्कशन हमने किया था आज हम लोग बात करेंगे प्योर अकाउंटिंग की राइट right? मैंने आपको बताया था कि एनुअल जनरल मीटिंग में राइट right? चार चीज होता है अकाउंट्स परफॉर्मेंस रीड आउट किया जाता है डिविडेंड के बारे में चर्चा होती है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ये चार मेन चीजें जिसके बारे में अपन एजीएम में डिस्कस करते हैं तो जो भी शेयर होल्डर को कम्युनिकेट किया जाता है वो उसको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को क्या कम्युनिकेट किया जाता है एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स बोलते हैं इसको राइट right? अच्छा ये जो एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट है मतलब ये बेसिकली कंपनी का परफॉर्मेंस है पीएल बैलेंस शीट वगैरह क्लियर तो ये जो एनुअल रिपोर्ट अपन बनाते हैं किसकी जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर की राइट right? तो अगर मान लो मेरे को किसी कंपनी का अकाउंट्स को कंपाइल करना है तो मेरे लिए क्या क्या चीज रेलिवेंट है सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे लिए रेलिवेंट है दूसरा कंपनीज एक्ट मेरे लिए रेलिवेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल अदर रिलेटेड लॉज सपोज करो मेरा स्टॉक लिस्टेड है तो एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट होगा कुछ कुछ सेवी का रिक्वायरमेंट्स होगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया अगर मान लो मैं फॉरिन करेंसी में मेरा कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो फेमा एक्ट विल अप्लाई टू मी लीडिंग प्रैक्टिस बाई इंडस्ट्री मतलब एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए तभी आप एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स बना पाएंगे <laughs> अगर आपके पास इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है आप एनुअल रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे ठीक है सर कल से मेरे दिमाग में एक चीज खटक रही है आपने कहा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करना ऑपरेशंस देखना अकाउंटिंग कंप्लायंस डायरेक्टर लोगों की और जब ये अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ही विल मेक श्योर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड ऑल द कंप्लाय आर डन कंपनीज एक्ट का सेबी का एक्सचेंज का सारा कंप्लाइंस हो चुका है सर कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है हम हमारा काम ठीक से कर रहे हैं शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया राइट right? ऑडिटर मेरा काम को वेरीफाई कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक श्योर

ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है उसी के हिसाब से ऑडिटिंग करना है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस अनबायस्ड, अनबाय ओपिनियन देना है कभी कुछ तुमसे कोई आदमी चिढ़ जाता है तो क्या होता है तुम्हारा बातें नहीं सुनता है तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है भैया तुम मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करो आर वेरीफाइंग माई वर्क मैं तुम्हारा जी हजूरी करूं, अच्छा ओपिनियन देना अच्छा ओपिनियन देना ये लो पांच लाख रुपया ये Basically, तभी तो स्कैम होते हैं ना पांच सौ रुपए से शुरू होता है होते 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 होते, 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 होते कितना करोड़ों रुपए का स्कैम हो जाता मालूम नहीं चलता है अभी यहाँ पे इतना सारा खर्चा हो मैंने ऑडिट किया ही नहीं अभी तक 25 तारीख के बाद ऑडिट करूंगा तब समझ में आएगा कि स्टाफ लोग ठीक से किया है कि नहीं घपला तो हुआ है कुछ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल थे ऑडिटिंग एक ऐसा काम है जिसपे कंपनी का रेपुटेशन डिपेंड करता है तो कभी नहीं चाहेगी कि ऑडिटर गलत चीज लिख कर जाए तो इनपे भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करती है इंटीग्रिटी मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है कॉम्पिटिटर को मेरा कोर प्रिंसिपल के बारे में बता दिया राइट right? तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे हमारा इंडिया में अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं उसको वैसे आई एस ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो ऑडिटर पे भी रूल्स अप्लाई होते हैं ये मैंने कुछ कुछ बताया आपको ऑडिटर कुछ कुछ केसेस में दूसरे का काम को यूज करता है जैसे इंटरनल ऑडिटर है ना इंटरनल ऑडिटर क्या है वो थ्रू आउट द ईयर इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग वगैरह का ऑडिट करता है है तो जो मेन ऑडिटर वो इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट यूज कर सकता है लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ऑडिटर की होगी मतलब मैं चाहूं तो मैं किस जैसे एसेट का मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूं एक्चुअल वैल्यूएशन लेट अस टॉक इन योर लैंग्वेज अगर मान लो मेरे को कोई इंश्योरेंस कंपनी बोलता है पटवारी जी हमारा ऑडिट करिए मैं कर लूंगा फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन मैं कर लूंगा एक्सपेंस का वेरिफिकेशन मैं कर लूंगा अच्छा ऑडिटिंग होती कैसे ऑडिटिंग होती कैसे मैं आपको बताता हूं दो छोटो बिल लेके आता, बिल बिल कुछ भी लाना है दो छोटो बिल लेके ये मैं ऑडिट कैसे करूंगा हाउ ऑडिट ये पंखे हैं, काउंट करूंगा एक दो तीन चार पांच और छह उधर लगा हुआ है छह पंखे हैं तो सात पंखे का बिल आएगा मैं बिल मंगवा रहा हूं वो सेवन फैन का है मतलब एक फैन मिसप्लेस हुआ है यस और नो एक्चुअल में मिसप्लेस नहीं हो अभी तक यूज ही नहीं हुआ है पड़ा हुआ है बट ऐसा हो सकता है ना सात का बिलिंग बना है पंखा छह ही है तो चोरी ऐसी तो पकड़ी जाएगी ना कैसे पकड़ोगे ट्रेसिंग करनी पड़ेगी आपको एक एक आइटम जो बैलेंस शीट में है उसका बिल खोजो यू नीड टू फाइंड आउट बिल्स जैसे जो वेबकैम है ये का बिल है लॉजिटेक का तो वेबकैम मेरे को दिख रहा है बिल भी दिख रहा है तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया या तो आप एक एक बिल देखो अच्छा ये सामान यहाँ लगा हुआ है अच्छा ये वाला सामान ये हेडफोन माउस पैड दस तो माउस पैड आया एक यहां है अब लेकिन ये मेटेरियल नहीं है मेरे लिए दस माउस पैड का चोरी मुश्किल से साढ़े चार सौ रुपया का है लेकिन दस वेब कैम अगर चोरी हो जाए या दस पंखे चोरी हो जाए तो पच्चीस तीस हजार का फर्क पड़ जाएगा तो जब हम सैम्पलिंग बनाते हैं ना ऑडिटर लोग तो वो लोग ये सब चीज भी देखता है मटेरियलिटी भी देखता है तो दो तरीके से ट्रेसिंग होती है या तो आप आइटम से बिल में जाओ या बिल से आइटम में जाओ तो ये सब मैं कर सकता हूं अब तुम लोग का जो एक्चुअल लाइबिलिटी है उसका कैलकुलेशन उसका पैरामीटर उसमें आपने क्या क्या एक्सम्सन लिया है कितना डेट रेट पकड़ा है क्या आपका मोर्टालिटी ये सब मेरे को आइडिया नहीं है सब चीज का तो वहां पे मेरे को किसी क्वालिफाइड एक्चुअली का एक्सपर्ट नॉलेज को यूज करना पड़ेगा है ना मेरा एक्सपर्ट नॉलेज को मेरे को यूज करना पड़ेगा बट अल्टीमेटली अगर कुछ गलत होता है तो मेरे को ही दोषी ठहराया जाएगा

ये सब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है एनीवे anyway, ये तो ऑडिटर का पार्ट हो गया तो अकाउंटिंग जब अपन करते हैं अपन को ये सब चीज की दरकार पड़ेगी एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। ठीक है अभी हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे अब सर आप बताओ कि मेरे को एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉस सेबी, एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स अदर लॉज ये सब हो गया अब एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स में आएगा क्या 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 चीज आता है मैं बेसिक चीज बताता हूं सबसे पहला आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट डायरेक्टर को भी एक रिपोर्ट देना पड़ता है कि भैया हमने 12 महीने में इतना कमाया है ये सब फाइनेंसिंग डिसीजंस लिया है इतना हमने डिविडेंड दिया है आने वाले 12 महीने में हमारा ये प्रोग्राम है इस तरीके से डायरेक्टर को एक रिपोर्ट देना पड़ता है डिटेल्ड रिपोर्ट हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज इतना है इस टाइप से तीसरा ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट ऑडिटर रिपोर्ट में मैंने आपको दो चीज बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रिपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है ट्रेंड एनालिसिस पिछले पंद्रह साल का हमारा सेल्स टर्नओवर ये है जोग्राफिकल एनालिसिस चेयरमैन का स्पीच चेयरमैन का विजन राइट कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी को एक प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज स्पेंड करना पड़ता है हम लोग भी करते हैं पहले ये वॉलेंटरी था अभी सारे कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया तो हर कंट्री का आपको रेस्पेक्टिव नॉर्म्स देखना पड़ेगा तो एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारा चीज आता है आप बुक कोई भी एनुअल रिपोर्ट आप ऑनलाइन आज आप निकालना आपको दिख जाएगा अगर मैं आपको एक एनुअल रिपोर्ट दिखाऊं ये देखो ये हमारा रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट आ गया ठीक है पहले इसका वो देख लो टेबल ऑफ कंटेंट सबको दिख रहा है ऑनलाइन एवरी वन प्लीज टेल मी हाँ चाहे देखिए देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है एक्सपोर्ट कितना किया है की हाईलाइट्स राइट right? पूरा प्रॉपर रहता है मुकेश अंबानी का चेयरमैन स्पीच बताया ना मैंने अभी आपको क्या कर रही है कंपनी कंपनी का बेसिकली बायोग्राफी इनके लीडर्स कौन कौन है रेशियो एनालिसिस की इंडिकेटर्स एम डी एंड ए बेसिकली डायरेक्टर्स रिपोर्ट रिटेल के लिए इन्होंने ये सब इतना बिजनेस का पूरा वो बता रहा है बायोग्राफी दिया है फाइनेंशियल भी आएगा अभी नीचे तो किसी भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा आप इंश्योरेंस कंपनी का पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है बट मस्ट स्टडी 267 पेजेस का है मेरा एक फ्रेंड है वो यही काम करता है उसको डिजाइनिंग का काम करता है वो 40 से 50 लाख का उसका पैकेज है खाली यही काम करता है बनाता नहीं है उसका एनुअल रिपोर्ट कंपाइलेशन प्रेजेंटेशन इसी चीज का काम है जिस कंपनी में करता है उसको लाख रुपए उसको सैलरी देती है तो सोचो कंपनी कितना लेती होगी राइट right. इसको पढ़िएगा आप किसी भी कंपनी का उठा के पढ़िएगा आप right. अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है सबसे पहला एस ओ सी आई इसको अपन बोलते हैं बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको अपने बोलते हैं है, स्टेटमेंट ऑफ है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब बेसिकली पीएल हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां से हमको नेट प्रॉफिट मालूम चलेगा राइट right? दूसरा होता है एसओ एफ पी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ठीक है, इसको अपन प्यार से बोलते हैं बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट बेसिकली दिस इज सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये हमारा सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग द ईयर कुछ इश्यू हुआ है क्या राइट right? प्रॉफिट में जो चेंज हुआ है किस कारण से हुआ है नेट प्रॉफिट के कारण हुआ है डिविडेंड दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना कोई बाईबैक ऑफ शेयर हुआ है क्या तो इक्विटी पोर्शन में जो जो चेंजेस आएगा वो यहां अलग से दिखाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसीज फॉलो की है उन सबका आपको नोटिंग करके बताना पड़ेगा जैसे क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या प्राइस पे दिखाया है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर राइट तो आज हमारा काम है हम लोग ये पांचों बनाना सीखेंगे इससे ट्वेंटी मार्क्स आपका एग्जाम में आता है ठीक है इससे ट्वेंटी मार्क्स एग्जाम में आएगा घर पे आप लोग को वीडियो देखना है दे आर सर्टेन थिंग्स मैंने मैं सारा ही डिस्कस कर रहा हूं बट फिर भी आप लोग देखेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा जस्ट मूव अहेड विथ मी मतलब मूव अहेड विथ मी मेरा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो गया एक सेकेंड मेरे आगे रहो ठीक है तो तुम लोग को रिविजन करने में ट्रीट दिस क्लास रिवीजन क्लास सो इट विल हेल्प यू नाइन से मेरा वीडियो देखो चैप्टर नाइन वाला नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन पूरा कंप्लीट करो और जैसे जैसे क्लास हो रहा है फिर डिस्कशन को फॉलो करो और अच्छे से समझ में आएगा जैसे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस नहीं किया कि काफी लोगों को मालूम है बट वीडियो में पूरा दिया हुआ है गेटिंग माई पॉइंट एमसीक्यू हो जगह तो बनाने नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए रियल लाइफ में तुम्हारा एमसीक्यू नहीं आएगा रियल लाइफ में एमसीक्यू थोड़ी आएगा रियल लाइफ में तो तुमको हालांकि तुमको ये बनाना भी नहीं है बट तुम्हारे एग्जाम में ये इसलिए दिया हुआ है जिसे कि तुम इसका अंडरस्टैंडिंग ले पाओ अल्टीमेटली तुमको इससे फिगर्स लेना है एनालिसिस करना है योर जॉब इज नॉट टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट यू हैवेन ज्वाइन दिस कोर्स बट फीलर देगा आपको राइट right? आपको अकाउंटिंग का फील दे रहा है क्योंकि ये सब फाइनेंशियल जो फिगर्स होते हैं वहीं से आएंगे इफ यू वांट टू डू प्रॉपर एनालिसिस कोई बोलेगा आपको क्लेम टू प्रीमियम का रेशियो निकालो मतलब प्रीमियम कलेक्टेड का कितना परसेंट आपने क्लेम पेमेंट किया है तो फिगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आएगा कोई आपको बोलेगा आपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज कमाया है तो ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आप कैसे करेंगे सो एनुअल रिपोर्ट इज द डिटेल्ड फॉर्मेंस राइट right? मैंने आपको क्या बोला बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका है कंपनी का अकाउंटिंग जिम्मेदारी कितना है कंपनी का कंप्लायंस का कंपनी का इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए इसका जिम्मेदारी किसका है कंपनी का ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है दो चीज पे ओपिनियन देना नंबर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नंबर टू इंटरनल कंट्रोल पे इंटरनल कंपनी का हर एक चीज की जिम्मेदारी डायरेक्टर पे है क्योंकि मालिक पैसा लगा दिया मालिक पैसा लगा दिया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है मालिक एजीएम में आएगा तुम उसको अपना परफॉर्मेंस बताओगे अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि उसको तुम्हारा कंपनी का शेयर होल्ड करके रखना है कि मार्केट में बेच देना है अगर उसको तुम्हारा परफॉर्मेंस पसंद आएगा तो तुम्हारा शेयर होल्ड करके रखेगा नहीं तो बेच देगा ऑपरेशन से लेके मैनेजिंग से लेके अकाउंटिंग से लेके कंप्लाय से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से लेके एवरीथिंग डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा कुछ भी नहीं है हमको ऑडिट के लिए बुलाया गया है हमारा दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है नंबर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे नंबर टू कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज का हम इंटरनल कंट्रोल का भी ऑडिट करेंगे इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट सारा कंपनी का नहीं होता है छोटी छोटी कंपनीज का नहीं होता है राइट right? अभी जब आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना यू सी एनुअल रिपोर्ट एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है इसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं इसको इसमें जितने भी नंबर गेम है क्या है परफॉर्मेंस यस और नो इसको अपन बोलते हैं की केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नेट प्रॉफिट जीपी एसेट नेटवर्थ ये सब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं तो ये हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिस इज व्हाट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देर आर सम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज इफेक्टिव फॉर परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है वो अगर आप देखेंगे मैंने जो रिलायंस का आपको दिखाया था वी सर्व बार बार वहां लिखा था वी सर्व वी इंक्लूड इस तरीके से लिखा हुआ था वी सर्व वी इंक्लूड वी सर्व वी इंक्लूड ऐसे करके लिखा हुआ था एक्चुअल में अभी तक मैंने क्या बताया आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताया है अब मैं आपको दूसरा टाइप का रिपोर्टिंग बताने वाला हूं उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ठीक है मैंने अभी तक आपको क्या बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑडिट भी होता है बोला ना मैंने आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑडिट हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनी रहेगा तो उसका इंटरनल कंट्रोल का भी ऑडिटिंग होगा भूल जाओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गेम ओवर। बिलियन डॉलर कंपनी मिलियन डॉलर प्रॉफिट्स, एवरीथिंग इज ओके सब सही है ऑल ओके नाउ टेल मी क्या ये नंबर सफिशियंट है कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए आठ दीज नंबर सफिशियंट यह अपन बात के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फिर बनाना सीखेंगे इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो हो गई इसके अलावा अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या है जीपी रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल्स यस और नो डेप्ट डेप्टविटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो ठीक है कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए यह जरूरी नहीं है दिस इज नॉट नेसेसरी आज हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग कभी भी हमारा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं देर आर सम नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का ग्रोथ के लिए लेट अस टॉक अबाउट इंडिगो ऑन टाइम कस्टमर सर्विस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस डोंट यू थिंक दीज थिंग्स आर नेसेसरी भैया अगर ये सब चीज हो गया ना अपने आप आपके पास रिपीटेड ऑर्डर आते जाएंगे दे इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड कभी पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहता है ट्रेनिंग इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी प्रॉफिट बोला आप इस चार चीज पे काम करिए यू वर्क इन दिस फोर कंपनी का परफॉर्मेंस के लिए खाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दरकार नहीं है हमको दूसरा पैरामीटर भी जानना है वॉट आर यू डूइंग फॉर द सोसाइटी वॉट आर यू डूइंग फॉर एनवायरमेंट इसलिए वी ग्रीन प्लांटेशन वी सर्व रिटेल वी हैव डन दिस मच फॉर चिल्ड्रेन दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखना रिलायंस का जो एनुअल रिपोर्ट है वहां लिखा हुआ भी है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप अपना एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए आप अपना एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए उनको लर्नेड बनाइए जब वो लोग लर्नेड बनेगा वो नॉलेजेबल बनेंगे आज अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं होता तो क्या मैं यहां बैठ के देर दे रहा होता कोई नहीं पढ़ने आता कोई नहीं पढ़ने आता अगर मेरा प्रॉपर्टी ट्रेनिंग नहीं हुआ रहता मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता कोई नहीं आता तो सबसे पहले आपको लर्नेड बनना पड़ेगा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते हैं आप लर्नड बनिए सेकंड, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करिए जैसे हमने किया अब वेबसाइट से डायरेक्ट पेमेंट करिए डायरेक्टली आपको क्लास आ जाएगा टिकट ट्रेस करिए 24 से 48 घंटे में आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया क्यू एन ए फोरम आई एम डीपली सैडेंड कोई उसको यूज नहीं करता है एवरीवन वांट्स व्हाट्सएप कल को आप जॉब करने जाएंगे आपके पास व्हाट्सएप में मालिक आपको बोलेगा मेरा ये काम कर दो मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा देयर विल बी अ डैशबोर्ड आपको टाइम टू टाइम मेल चेक करना चाहिए मतलब आपका क्वेरी अगर सीबी1 में आप क्यूएनए फोरम में कोई क्वेरी डालते हैं तो वो बाकी सारा स्टूडेंट देख पाएगा उसमें वो जो रिप्लाई करेगा वो भी सबको ही देख पाएगा इट्स व्हाट्सएप ग्रुप कोई यूज नहीं कर रहा क्यों क्योंकि उनको डाउट्स के साथ साथ किसी और लोगों से भी बात करना है उनको डाउट्स के साथ साथ डाउट पोस्ट कर दिया बाय द टाइम अदर्स आर रिप्लाइंग दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स टॉक विथ समल एल्स तुम लोग छह जन है अभी क्लास में बाकी ऑनलाइन है अगर तुम लोग सात से आठ का एक टाइम डिसाइड करते हैं कि हम लोग सेवन टू एट हम लोग सारा क्वेरी डालेंगे और एक दूसरे का क्वेरी हम लोग रिजोल्व कर देंगे देन उसके लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए तुम्हारा यही तो है ना कि तुम क्वेरी डालोगे तुमको रिप्लाई आना चाहिए वहां पे भी डालो रिप्लाई आएगा तुम अगर किसी का क्वेरी में रिप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेरी में रिप्लाई कौन करेगा देर वॉज नो नीड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए ही नहीं जिन्होंने भी प्रॉपरली टिकट ट्रेस किया और पेशेंटली वेट किया है विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स द क्वेरी हैज बिन सोल्व मैक्सिमम कोईरी कैसा रहता है पढ़ाई नहीं है खोला ही नहीं है कुछ दिन बाकी है एग्जाम का सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है चलते चलते है, बंद कैसे हो सकता है एक सिस्टम है जो चल रहा बंद कैसे हो जाएगा इसका मतलब तो इंसान चलते 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 बसा ऐसे थोड़ी होता है ट्रेनिंग बनाइए लर्नेड बनाइए अपने एम्प्लॉयज को और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को स्मूथ करिए ऑटोमेट करिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए अगर ऐसा रहेगा ना आपका ऑटोमेटिकली क्वालिटी विल इंप्रूव आपका क्वालिटी विल इंप्रूव और अगर आपका क्वालिटी इंप्रूव हो गया तो कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड और अगर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड यू आर गोइंग टू गेट रिपीटेड ऑर्डर आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा मिलेगा आज अगर सीएम वन अच्छा नहीं होगा तो बच्चा सीएस वन में नहीं आएगा सीएस वन अगर अच्छा से नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चा सीएम टू में नहीं आएगा सीएम टू अच्छा से नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चा सीएस टू में नहीं आएगा सीएस टू अच्छा से नहीं पढ़ाया जाएगा तो सीपी वन में नहीं आएगा एज ए सोन आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं हम कभी नहीं सोचते प्रॉफिट के बारे में मेरे को एक बच्चे से कितना आ रहा है हम लोग खाली ट्रेनिंग लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सर्विस क्वालिटी को जितना बेटर बना सकते हैं उतना बना रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव इन दिल्ली राइट उसका 5 भी आज फिजिकल क्लास नहीं कर है और उसका टेन परसेंट भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है इट इज जस्ट मेंटल मेंटिस्फेक्शन नथिंग एल्स स्टूडेंट्स का कुछ नहीं गया हमारा पच्चीस तीस लाख रुपए लग गया सच बात है है ढाई सौ तीन सौ बच्चों में देखो कितने बच्चे क्लास करने आए हैं फिजिकली एक खाली मेंटल सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हाँ सर बैठा है वहां पे बस इतना ही और कुछ नहीं है क्वालिटी अगर आप मेंटेन करेंगे ना आपका कस्टमर आपके पास वापस आएगा नेवर थिंक ऑफ प्रॉफिट आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहा है सोसाइटी के लिए बगल वाला इसको अपना रूम साउंड प्रूफ बनाना चाहिए था आज अपनी मूवी देखने जाते हैं ऑडी वन टू सब सट के है हा? तुम देखने को एक मूवी और तुमको सुनाई दे रहा कोई और मूवी का ऑडियो चलेगा एक्चुअली हम लोग उतने सोशल फ्रेंडली नहीं है हम लोग सोशल फ्रेंड्री हम लोग को ऐसा लगता है व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर ये सब सोशल फ्रेंडली है सोशल का मतलब बहुत बड़ा होता है रास्ते पे खा के नहीं फेंकना चाहिए ये सब हम लोग को बेसिक एथिक्स है सोशल सोशल फ्रेंडली है हम लोग कुछ कुछ केस में लेकिन आप बहुत बड़े पैमाने में जब सोचने जाएंगे ना आप में भी फॉल्ट निकलेगी तो बड़ी बड़ी कंपनीज को इन सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम कोई टॉक्सिक मटेरियल में डील कर रहे हैं तो आई नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट उसको डिस्ट्रॉय करने का मेरे पास प्रॉपर मीन होना चाहिए इन सब चीज की रिपोर्टिंग होती है इट इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल नंबर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इट इज सम नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन टाइम राइट सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोलता है कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करेंगे ही साथ में आप उसके साथ सोशियो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन सब चीज के बारे में भी आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोसाइटी जिसका जितना बन पड़े उतना करना चाहिए सो दिस इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड ये मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया है हाउ कैन यू इंप्रूव योर नंबर देखो प्रॉफिट एकदम लास्ट में है पहले ट्रेनिंग इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी एंड देन प्रॉफिट बैलेंस स्कोर कार्ड आपके करिकुलम में नहीं है बट बत मैंने बताया आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस सम नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स तो ये वाला चीज आपको ध्यान देना है चलिए नाउ इट्स टाइम वी विल गो फॉर दिस प्रैक्टिकल सो आने वाला दो क्लास हम लोग को पूरा लगेगा इसको तो so आज हम लोग पीएल करते हैं पीएल से शुरू करते हैं एंड देखते हैं फिर अगर हो पाएगा तो देन विल गो फॉर बैलेंस शीट ऑल्सो एंड दो पास चीय का जो पेपर है कल रिविजन नोटबुक सब कोई को लेके आना है जिसको नहीं मिला है सॉफ्ट कॉपी रहेगा हमारा डैशबोर्ड में ठीक है चलिए सो नौ हम लोग बात करेंगे एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसका दो पार्ट होता है एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम राइट जिनको भी अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज है उनको मालूम है ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होता है लेन देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज, राइट उसको ट्रांजैक्शंस बोला जाता है मॉनेटरी होना चाहिए टर्म्स एंड अच्छा एक बात बताना मैंने तुमसे uh, कुछ खरीदा बदले में मैंने तुमको कुछ दे दिया पैसे नहीं दिए मैंने तुमसे कोई एक चीज ली बदले में तुमको कोई दूसरा चीज दे दिया क्या ये ट्रांजैक्शन है हा? No. कितना जन बोलता है यस और नो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स यहां तो सब नो है जरूरी नहीं है सब ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व हो। इट इज अ ट्रांजेक्शन एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज गुड बिटवीन मी एंड अनदर पर्सन इज अ ट्रांजेक्शन अब मुद्दा यह है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जिसमें हमको पैसे बाद में देने पड़ते हैं या पैसे का सेटलमेंट बाद में होता है और जिस ट्रांजेक्शन में सेटलमेंट आज हो जाए या हिसाब चुकता हो जाए उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं पहली बात बाटा सिस्टम इज अ ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज रिसोर्सेज एसेट इन सब को अपन ट्रांजैक्शन बोलते हैं ऑब्वियसली इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी वैल्यू हम एटलीस्ट निकाल पाए अगर वैल्यू नॉट असर्टेनेबल है तो वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजैक्शन नहीं कहला सकते हम उसको तो हमने जो बाटर स्कीम की आपसे बात की हमने आपसे जो लिया उसकी कीमत 200 है तो हमने जो तो दिया आपको उसकी भी कीमत 200 है तो इट इज अ ट्रांजैक्शन अगर हमने आपसे जो लिया उसकी कीमत दो है और हमने आपको जो दिया उसकी कीमत हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो दो ही माना जाएगा आपसे जो लिया उसकी कीमत भी नहीं मालूम हमने जो दिया उसकी कीमत भी नहीं मालूम तो नहीं चलेगा Then we will go for कि अगर मैं ये और कहीं से लेता तो मुझे कितना पड़ता अलाइक सिमिलर तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये तो ट्रांजैक्शन तो है ही अगर हिसाब बाद में सेटल होगा या भुगतान बाद में होगा तो इट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर हिसाब आज हो गया है या चुकता हो गया है कैश ट्रांजेक्शन तो कोई भी अगर आपको पूछे तो आप यही बोलेगा तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि उसमें कैश खोजो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब उसमें सेटलमेंट होना चाहिए आज बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट ये सब कैश ट्रांजेक्शन है हालांकि मनी आउटफ्लो आप देखेंगे तीन महीना बाद होगा जब बिल मच्योर करेगा बट हिसाब चुकता आज हो चुका है चेक से आप पेमेंट करते हैं हिसाब चुकता हो गया पेमेंट एक दो दिन बाद जाएगी बट हिसाब चुकता हो गया है तो बेसिकली अपन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं राइट उन ट्रांजेक्शन को अपन क्या करते हैं फिर रिकॉर्ड करेंगे एंड देन अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल में देन जितना भी फाइनेंशियल आइटम्स है सबका लेजर बनाया जाता है राइट right? कैश का कितना आदान प्रदान हुआ इसका कितना हुआ सारे सबका लेजर बना के बैलेंस निकाला जाता है फिर अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है चेक करने के लिए कि जनरल से लेजर सही तरीके से बनाया हुआ है कि नहीं और उस ट्रायल बैलेंस का एक और मकसद भी होता है वो हमको फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है जो कि अपने बात कर रहे हैं पीएल और बैलेंस शीट पीएल और बैलेंस शीट को अपन फाइनल अकाउंट के नाम से बुलाते हैं बचपन से तो अपन अभी पीएल की बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इसका दो हिस्सा होगा एक पीएल और एक कॉम्प्रीहेंसिव इनकम हम लोग बचपन में जो पीएल बनाया है वो टी फॉर्मेट में बनाया है राइट right? तो पीएल मतलब क्या होता है पीएल मतलब होता है नेट प्रॉफिट क्या होता है सर पीएल मतलब होता है नेट प्रॉफिट ठीक है सर नेट प्रॉफिट समझ में आ गई आपकी बात सर नेट प्रॉफिट कैसे आता है सर नेट प्रॉफिट आता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस सर हमको समझ में इनकम माइनस एक्सपेंस करने से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर सर हम ना माल बेचते हैं हम गुड्स का धंधा करते हैं तो मेरा नेट प्रॉफिट कैसा आएगा गुड्स मतलब सेल्स यस और नो है ना माल को आपने खरीदा भी होगा माइनस परचेजेस माल को आपने खरीदा भी होगा माइनस परचेजेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस राइट यस और नो माइनस सर कई बार ना अपन लोन लेके भी धंधा करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होगा फाइनेंस कॉस्ट ठीक है माइनस टैक्स तो ये जाके हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ठीक है ये नॉर्मल नॉर्मल किसका है ये नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट ऐसे निकलता है इनकम मतलब सेल्स माल बेच के जो आया इनकम मतलब क्या होगा सेल्स उसके बाद माइनस परचेजेस क्या होगा माइनस परचेजेस फिर हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये मैंने कल भी आपको बताया था माइनस अगर हमने ब्याज में किसी से पैसे लिए माइनस टैक्स सर अपन को ना इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बताइए आप इंश्योरेंस कंपनी का बताइए इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे आएगा वहां पे इनकम होता है प्रीमियम कलेक्टेड क्या होता है गलत बात नहीं बोलूंगा मैं सही है ना आया ना मैं स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहा हूं मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा माइनस क्लेम्स पेड राइट माइनस क्लेम्स पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाँ ना? अच्छा यहां पे मैंने आपको बताया था कमीशन पेड हम लोग को कमीशन देना पड़ता है हाँ माइनस अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में ये सब आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट टैक्सेस वगैरह जो भी है मेन मुद्दा यही है यहां पे ये

ठीक है सबको समझ में आ रहा है ना? तो पहले अपन क्या करेंगे ना अदर देन इंश्योरेंस कंपनी का करेंगे जो हमारे सिलेबस में है फिर अपन को इंश्योरेंस कंपनी का भी करना पड़ेगा क्योंकि आई में टेस्ट कर रहा है अब तो आई एम हो गया है तुम लोग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मालूम है इस बार एग्जाम में मालूम है क्या आ जाएगा किस पैटर्न से आएगा राइट right? किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आई का मेरे को मालूम है किस टाइप का आएगा क्योंकि जब तीन चार टर्म पहले उन्होंने निकाला था कि हम लोग एमसीक्यू ला रहे तो उन्होंने कुछ कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिया था और मैंने एक वीडियो भी बनाया था उनके सैंपल क्वेश्चन के बेसिस पे आधी घंटे का मैंने वीडियो भी बनाया था आधे घंटे का राइट right? तो अपन को मालूम है हम लोग ने उसके बेसिस पे हमने हजार एमसीक्यू डेवलप कर लिया ऑलरेडी कोई चिंता बात नहीं वो आपको हमारे डैशबोर्ड में है डैशबोर्ड में आप डेली दस तो भी करोगे ना दस एमसीक्यू दस और उसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि आज आपने इतना अटेंड किया है इतना अन आनेंट, है जितना अटेंड किया उसमें कितना गलत हो गया इस तरीके से फिल्टर डाल सकते हो चैप्टर वाइज भी कर सकते हो डेली दस भी करोगे ना दस मिनट लगेगा एक सौ अस्सी दिन में अठारह सौ एमसी क्यों आप सॉल्व कर लेंगे एटीन हंड्रेड बूंद बूंद से घड़ा भरता है यही अगर मैं तुमको एटीन हंड्रेड बोलूंगा डे वन लास्ट का पांच दिन में करो मैं मैं पढ़ा नहीं रहा हूं मैं प्रोसेस बता रहा हूं पढ़ना कैसे है? पढ़ना तो आपने हमने क्या करना है हमने गिने चुने लाइव क्लास ले लेना है उसके बाद हमने बोल देना रिकॉर्डेड से देखो जो फैक्ट है बट बत तरीका बता रहा हूं पांच से दस एमसी भी अगर हमने किया ना डेली दस से पंद्रह मिनट भी नहीं लगने हैं गेट इंटू दैबिट ऑफ स्टडिंग डेली एज ट्रीटिटाइज ऑक्सीजन अगर एक घंटे तक तुमको ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा यून टू प्रायोरिटाइज थिंग्स इट्स हाई टाइम आपके लिए क्या जरूरी है राइट right. सो so, पहले अपन नॉन इंश्योरेंस कंपनी का करेंगे फिर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का करेंगे ठीक है तो मैं आपको पूरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो एसओ सी आई हम लोग पहले टी फॉर्मेट में बनाते थे राइट right. हम लोग पहले टी फॉर्मेट में बनाते थे ये हमारा अलग ही फॉर्मेट में बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट अब मैं आपको बताता हूं दोस्त ये जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूं ना ये फॉर्मेट यूके में फॉलो होता है यूएस में फॉलो होता है ये फॉर्मेट इंडिया में ये फॉर्मेट नहीं है तो ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेटिंग ये सब आपको हर कंट्री का कंपनीज एक्ट बताएगा जैसे हमारे कंट्री में जो कंपनीज एक्ट है ना वो लिखता है कि भैया जो भी कंपनी है उसको इस हिसाब से हमारा पीएल शीट बनाना पड़ेगा शेड्यूल्स शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट वो ये भी लिखता है कि ये जो इंडियन कंपनीज एक्ट है ये बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं करेगी मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग कंपनी का नॉलेज भी आपको दिया जाएगा सर क्या बात कर रहे हैं आप इंश्योरेंस में आप ये सब घुसा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में बैंकिंग कहां से आ गया सर हम इंश्योरेंस का कोर्स कर रहे हैं हमको आप प्रीमियम रिलेटेड बात बोलिए री इंश्योरेंस का बात करिए है। समझते हैं री इंश्योरेंस बैंकिंग का बात कहां से आ रहा है फिर आप कंसोलिडेशन भी बताएंगे हम लोगों को क्यों बता रहा हूं क्योंकि बैंकिंग कंपनीज में भी आप लोग की नौकरी लग सकती है एसपी फाइव सिक्स स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलो है ना कि नहीं है कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो बैंक से रिलेटेड आईसीआईसीआई प्रू पच्चीस लाख का नौकरी देगा नहीं लोगे क्या बोलो नहीं लोगे राइट right? चलिए सो so हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द एंडेड ट्वेल्व मंथस ये बारह महीने का बनता है बेटा पीएल हमेशा बारह महीने का बनता है पीएल हमेशा बारह महीने का बनता है ठीक है सबसे पहला आ रहा है रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब सेल्स इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू क्या होगा प्रीमियम कलेक्टेड गराज की कंपनी है गराज उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा इतना तरक्की करोगे कभी सोचे भी नहीं होगा सपना में Repairs. हमारे लिए इकतीस आठ सौ तेरह पांच सौ पच्चीस हजार बाईस पांच सौ ऐसे करके ना पीस कलेक्टेड तो रेवेन्यू समझ में आ टर्न ओवर सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब परचेस कॉस्ट मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं फॉर्मेट में नहीं है सर ये हो गया एसपी ये हो गया पीपी व्हाट इज व्हाट इज पीपी परचेस प्राइस तो एसपी माइनस पीपी इज जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कोचिंग फीस माइनस फैकल्टी कॉस्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट बट भाड़ा बिजली बिल और भी बहुत सारे खर्चे हैं है या नहीं है लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ठीक है पक्का इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट Right. तो ये हमारा बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट हो गया अब क्या होता है हमने किसी से ब्याज लिए गया ब्याज में रुपया लिया है तो फाइनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा सर हम भी तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहां से भी मेरे को इनकम आ रहा है दैट इज फाइनेंस इनकम तो इसमें होगा एड फाइनेंस इनकम मतलब बेसिकली इसको अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते क्या बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स interest on loan yet yeah, the venture issued ठीक है, माइनस टैक्सेस तो ये आ आगे हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट हुआ अभी एसओसीआई का ये हमारा एसओसीआई का पार्ट वन कंप्लीट हुआ है पीएल वाला ठीक है अब पार्ट टू मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं ये जो प्रॉफिट है ना इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं रियलाइज प्रॉफिट कमाया हुआ प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको खून पसीने से मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट है बहा है इसमें कतरा कतरा बूंद जो गिरा है उसको वसूलेंगे दिस इज नेट प्रॉफिट लेकिन कुछ कुछ ऐसे इनकम होते हैं जो अनरियलाइज्ड होते हैं वो रियलाइज्ड नहीं है अन रियलाइज है एक और कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था शायद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि ट्रांजैक्शन को उसी प्राइस में रिकॉर्ड करना चाहिए जितना हमने पेमेंट किया है तो मान लो अगर हमने ये प्रोजेक्टर खरीदा है एक लाख रुपए में तो हम इसको एक लाख रुपए पे दिखाएंगे लेस लेन करते चलेंगे ओवर द इयर्स तो इसको अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक अनदर कॉन्सेप्ट है जो बोलता है एसेट को आप कॉस्ट पे दिखाइए तो मान लो हमने एक जमीन खरीदी लाख रुपए की तो आप उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे जमीन पे तो डेप्रिशिएशन होता नहीं जैसे प्रोजेक्टर पे होता है लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता तो इस जमीन की कीमत जो लाख रुपए थी अब वो दस लाख रुपए हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कॉस्ट पे दिखाओ बट अगर मैं इस एसेट को कॉस्ट पे दिखाऊंगा क्या यह इस कंपनी की ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट करेगा क्या ये इस कंपनी की ट्रू नेटवर्थ है ट्रू वैल्यूएशन है नहीं एक्चुअल में वैल्यूएशन दस लाख है तो अपन क्या करेंगे उसको एक लाख से दस लाख करेंगे जब आप उसको एक लाख से दस लाख करेंगे क्या आपका बैलेंस बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा नौ लाख रुपए से बढ़ेगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या अगर बेचा नहीं बेचा है क्या मेरे दादा परदादों ने मेरे लिए कोठी रखी गई है तुमको मालूम है मैं तुमको एक किस्सा शेयर करता हूं फॉरेन कंट्री में जो मैंशन होते हैं ना कितने सारे मैंशन सरकार को ऐसे ही मिल जाता है हमारे पूर्वज अगर हमें कुछ छोड़कर जाएंगे हमारे इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है हम आराम से उसको ले लेते हैं

बट अल्टीमेटली एक प्रोटेक्शन भी रहता है आपके उसको हम लोग दिखाते नहीं है इट्स वेरी ऑनेस्ट बट इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉरेन कंट्रीज में लोग मना कर देते नहीं लेंगे हम अपने बात दादा दादा परदादा की चीज टैक्स देना पड़ेगा इनहेरिटेन टैक्स इंडिया में भी आएगा बहुत जल्द पांच सौ करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए मेरे दादाजी मेरे लिए विला मैंशन अब वो मेरा हुआ पचास करोड़ का इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा कहां से देंगे कहां से दोगे विला का एक फ्लोर बेच के नहीं कोई नहीं लेगा लोग छोड़ देते हैं सरकार की हो जाती है कहां से देगा पचास करोड़ कैसे बेच देगा मैंशन इंपॉटिबल स्टेट होते हैं वो सब पहले तुम्हारा होगा तब ना तुम बेच पाओगे इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा ही लगेगा हमारे इंडिया में एग्जेम्ट है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्ट किसी के मरने पे एग्जेम्ट बट अगर ऐसा हो इनहेरिटेंस टैक्स लग जाए क्या होगा भैया हमारी पचास लाख की नौकरी है उसको अपने नाम पे करने के लिए हमें पचास करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा तब जाके वो मेरे नाम पे होगा एक लाख का जमीन है हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है इसको कॉस्ट पे दिखाइए लेकिन ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है मान लो हमारा एम ए हो रहा है एम एंड ए हो रहा है मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन में हम बिक रहे हैं या हम किसी को खरीद रहे हैं हमारा शेयर प्राइस का वैल्यूएशन होना है क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है एक कंपनी बिकता है दूसरा खरीदता है हमने तुम्हारी कंपनी खरीद ली आज से तुम्हारा एसेट मेरा हुआ बदले में तुम कुछ मांगोगी ना तुम नहीं कंपनी का शेयर होल्डर के बारे में बात हो रहा है तो वो बोलेगा आज से हम इस कंपनी के मालिक थे आप हमें अपने कंपनी में मालिकाना हक दे दीजिए ठीक है चलो शेयर के बदले में शेयर ले लो तो तुम्हारे पास जो शेयर था उसकी कीमत साठ रुपए और हम जो तुमको शेयर दे रहे हैं उसकी कीमत एक रुपए कैसे आया वैल्यूएशन से ना आएगा तो क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा के वैल्यूएशन करें तो कहीं ना कहीं हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट को भूलकर हमको लाइफ वैल्यूएशन करना ही पड़ता है ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना कहीं ना कहीं दोनों में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में एंबिग्युटी भी है लड़ते हैं एक दूसरे से झगड़ते हैं तो एक लाख का एसेट हमको दस लाख दिखाना ही पड़ेगा तो एक लाख को मैंने दस दिखा दिया हमारा नेटवर्क सही आ गया सब कुछ सही हो गया तो नौ लाख रुपए से हमारा नेटवर्क गया क्या क्या? बैंक बैंक बैलेंस बैलेंस बढ़ा बढ़ा खाली मन की संतुष्टि है ये, जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़े जा रही है लोग खुश होते हैं अरे भगवान से ऐसा मनाओ कि उसको बेचने का नौबत नहीं आए, तो ऐसा सोचता है इसको बेचेगा। तो अनरियलाइज्ड है वो तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट्स तो ये मैंने आपको एक केस बताया है रिवैल्युएशन ऑफ एसेट्स इसमें और भी तीन चार केसेस होते हैं जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाते हैं एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्ड वी हैव ओनली रिवैल्युएशन नथिंग एल्स वी हैव एडजस्टमेंट्स, वी हैव सम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन ये सब अदर कॉम्प्रीहेंसिव में जाता है बट अपना एग्जाम का लिए रिवैल्युएशन तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो ये जो आएगा इसको अपन बोलेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसको अपन बोलेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सो दिस इज अनियलाइज प्रॉफिट जो डिविडेंड बटता है ना डिविडेंड जो बांटते हैं प्रॉफिट से बांटते हैं तो डिविडेंड तुम ईमान से बताना दिमाग लगाओ कौन से वाले प्रॉफिट से तुम डिविडेंड बांटोगे नेट प्रॉफिट से क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया ही नहीं उसको बांट दोगे पैसा कहां से लाओगे राइट सो एवरीवन प्लीज गेट योर रिवीजन नोटबुक कॉपी है ना डैशबोर्ड में माई पेपर में स्टडी मटेरियल सेक्शन में ठीक है चलिए थैंक यू सो मच